नमस्कार स्टूडेंट्स, बगड़िया बाल विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे दोहरान। संज्ञा क्या दोहरान? संज्ञा हमने पहले भी पढ़ी है, हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा के तीन भेद हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद में है जातिवाचक संज्ञा और है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है, उसका पर्टिकुलर एक नाम होता है। अगर आप किसी मशीन के बारे में बात कर रहे हो तो आपको मशीन का नाम बताना होगा, यानी वह किस कंपनी है, कंपनी की है। आप पंखा बताओगे तो पंखा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, आपको बताना होगा ये पोलर का पंखा है, खेतान का पंखा है, इस तरह से, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ सकती है, आएगी। इसी तरह से आप किसी का नाम बताओगे, मोहन, राम, व्यक्तियों के नाम हो गए। इसी तरह से आप प्राणियों के नाम बताओगे, गाय है तो गाय की आपको प्रजाति बतानी पड़ेगी, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो मैं आपको कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण बता देती हूँ, जैसे रमेश। रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। गंगा नदी, इसी तरह से हिमालय पर्वत। अब हमने यहाँ पे किसी व्यक्ति का विशेष नाम लिया है तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नाम क्या है? रमेश। नदी का नाम बताया है, गंगा नदी। इसी तरह पर्वत का नाम बताया है, हिमालय पर्वत। यानी कि आपको पर्टिकुलर स्थान का, प्राणी का या व्यक्ति का या वस्तु का नाम बताना है, वह आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट में आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। अब इसी तरह से हम यहीं से शुरू कर देते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के पूरे समूह का बोध कराया जाता है, यानी कि उसकी पूरी जाति का बोध कराया जाता है, वह होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि गाय, तो गाय जो है वो पूरी गाय की पूरे समूह का बोध करा रहा है, ना है कि किसी एक गाय के बारे में आप के माइंड में पिक्चर बन रही है। आप किसी भी गाय को देखते हो तो आपकी गाय की ही पिक्चर बनती है, तो उस गाय का नाम नहीं दिया है। इसी तरह शेर, बकरी, ये सब किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में। आप लिखोगे लोग तो वह भी किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। आप बोलोगे लड़का, लड़की, कक्षा, तो वह किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगर आप बोलते हो पाँचवीं कक्षा, चौथी कक्षा, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कक्षा, तो वह किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। चलिए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के। जैसे गाय, शेर, इसी तरह आपने लिया यहाँ पे, मैंने नदी, गंगा नदी यहाँ पे नाम दिया है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा में नदी आ जाएगा। यानी कि नदी शब्द जो है वो पूरी की सभी नदियों के बारे में बोध करा रहा है, कोई भी नदी हो सकती है। इसी तरह हमने यहाँ पे हिमालय पर्वत लिया, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? पर्वत। आपको नाम नहीं दिया हुआ है, कोई भी पर्वत हो सकता है। इसी तरह से हो जाएगा कक्षा, विद्यालय। जैसे कहने का तात्पर्य यह है लड़का, तो लड़का जब शब्द आता है तो यानी कि लड़का, पूरी लड़के जो प्रजाति है या पूरा लड़का जाति है, कोई भी लड़का हो सकता है, उसके बारे में बात हो रही है। लड़की शब्द आता है तब भी यही बोध होता है कि यह जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपको उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बनानी है तो आपको लड़का या लड़की का नाम देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम भाववाचक संज्ञा में। भाव क्या होते हैं? भाव हमारे मन के होते हैं, जो हम महसूस करते हैं वही क्या होते हैं? भाव होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञाएँ आती है? भाववाचक संज्ञा में वे संज्ञाएँ आती है जिनको हम महसूस करते हैं लेकिन उनको हम छू नहीं सकते। जैसे भाववाचक संज्ञा में प्रेम है, घृणा है, हरियाली है,
मोटापा है, बुढ़ापा है, बचपन है, चतुराई है, ऐसे शब्द चौड़ाई है, लंबाई है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो हम भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रेम, सुंदरता, हरियाली, बचपन, मोटापा। इसी तरह से कुछ स्वाद भी आ जाते हैं, जैसे खटास, मिठास, कड़वाहट, ऐसे शब्द हैं जिनको हम अपने मन के भावों से ही इनको महसूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप आज समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आप इनको बिल्कुल आराम से समझेंगे, क्योंकि समझेंगे तो संज्ञा बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इनको रटने की कोशिश करेंगे तो आप इनमें उलझ जाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने इसीलिए दोहरान करवाया है कि मैं चाहती हूँ आप फिर से एक बार इसका रिविज़न करें। आप अपनी बुक में भी चीज़ें हैं उनका भी रिविज़न करें, आप अपने आस पास में देखें, आप जो शब्द बोल रहे हैं उन पे गौर करें कि ये किस संज्ञा में आएगा, ये भाववाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा या व्यक्तिवाचक में आएगा। ओके, थैंक यू।